बस रैंडमली ही इस मूवी को देख लिया, कोई इसका ट्रेलर नहीं देखा था तो सामने आ गई, तो मैंने इसको सोचा कि यार देख ही लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिप्नोटिक मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 1 घंटा 28 मिनट के आसपास, एग्जैक्ट 1 घंटा 28 मिनट ही है। इसे थोड़ा बहुत 1-2 मिनट कम कर सकते हो, बाद में जो क्रेडिट दिखाते हैं उसको काट देना। खैर इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, ओके, मूवी की स्टोरी की चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस मूवी का नाम है हिप्नोटिक, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या बनता है, दिमाग को कंट्रोल करना। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, मतलब इस शब्द का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं। हिप्नोटिक का मतलब या हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब बेशुद्ध कर दिया जाएगा। कोई चीज होता है, हमने देखा हुआ होता है कि भैया हाँ घड़ी को देखो ऐसे ऐसे जा रही है, देखते हो कि मतलब आप किसी कंट्रोल में आ जाओगे। तो सेम यही वो मूवी होने वाली है, मतलब नाम से पता चल रहा है। तो मेरा मेन रीजन तो इस मूवी को देखने का इसका नाम ही था कि हाँ हिप्नोटिक नाम है, कोई बढ़िया ही चीज देखने को मिलेगी। तो इसकी जो कहानी है, एक महिला जो डिप्रेशन का शिकार है वो डिसाइड करती है कि हाँ यार क्यों ना अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए हिप्नोसिस, एक थेरेपी होती है हिप्नोसिस, उसका यूज किया जाए। और वो यूज करने के लिए किसी के पास जाती है। अब वहां पर कुछ सेशन बीतने के बाद इसको एहसास होता है कि इसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लग गई हैं। खतरनाक, खतरनाक तो नहीं कह सकते, वो थोड़ी बहुत खतरनाक कह सकते, मतलब बहुत कम खतरनाक चीजें इसके साथ होने लगती हैं। अब वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, कौन करवा रहा है, ये तो सारा चीजें, ये सारी चीजें आप लोगों को जब पता चलेगा, जब आप ये मूवी देखोगे। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि इतना ही इसके बारे में लिखा हुआ था IMDb के ऊपर, मुझे लगा बस इतना ही बताना काफी रहेगा। इससे ज्यादा देखो यार, मूवी के अंदर जैसे हिप्नोसिस है तो ऑब्वियसली इसके अंदर सस्पेंस थोड़ा बहुत तो रखने की कोशिश की गई होगी, मतलब उसके बारे में भी आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही है। अब मूवी की स्टोरी कितनी अच्छी है कितनी खराब, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो मूवी की जो स्टोरी है बिल्कुल 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 ही सिंपल है, मतलब सिंपल से भी नीचे ला सकते हैं, बिलो द एवरेज मूवी है। जैसा इसका नाम है हिप्नोटिक, मैंने इसको मतलब इतनी उम्मीदें लगा तो नहीं थी, मतलब एक होता है ना कि हाँ यार नाम इसका हिप्नोसिस है तो बढ़िया सा कुछ इसमें टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा, दिमाग से रिलेटेड है तो हमारे दिमाग की दही भी हो जाएगी। मतलब हुई है, दूसरे वे में हुई है, अच्छे वे से नहीं हुई। अब ये जब देखने लग रहा हूं तो यार कोई भी सस्पेंस नहीं आ रहा, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, बस चल क्या रहा है यार, मतलब मजाक बना रखा है इस मूवी, मतलब मूवी के अंदर जो दिखा रहे हो वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। हंसी आ रही है, मतलब पूरी मूवी के दौरान आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार यहाँ पर दिमाग के यूज करने की जरूरत है, मतलब उससे इरिटेट जरूर हो जाओगे कि यार क्या दिखा रहे हो, बिना ही सर पैर की चीजें चल रही हैं। अब स्टार्टिंग में ही मूवी जब देखोगे थोड़ी से टाइम में, मतलब 5 या 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगी कि ये जो सारी चीजें करने वाला कौन होगा, क्यों कर रहा होगा, वो तो शायद आपको लास्ट में जवाब मिलेगा, लेकिन कौन होगा ये आपको पता चल जाएगा। और ये क्यों कर रहा है लास्ट में इसका कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिलता है कि इसके पीछे इसका रीजन ये था, बहुत बड़ा रीजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। इवन इसकी जो एंडिंग है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है, और प्रिडिक्टेबल होने के साथ वो रत्ती भर भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसे ऐसे सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं जिसके अंदर फीलिंग आती है कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या रीजन है इसका दिखाने का। मतलब एक सीन इसके अंदर आता है, मैं नहीं बताने वाला कि वो सीन क्या है, उसके अंदर जैसे हाइप क्रिएट की जाती है कि हाँ भाई इसमें ये सब कुछ दिखा दे देंगे, यहाँ पर इतना हो रहा है, लेकिन वो होता है ना यार फीलिंग से यार ये नकली है, ये कुछ नहीं दिखा रहे, इसका कुछ और होने वाला है। हमने ऐसा बहुत सारी मूवीज में देखा भी हुआ होगा कि एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना फोकस कर दिया जाता है कि हमारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाए, लेकिन एक्चुअल में चीजें कुछ और चल रही होती हैं, पर्दे के पीछे का कुछ और काम चल रहा होता है। सेम यही है, आसानी से पता कर लिया कि यार ये नहीं है तो तुम इतना भागा दौड़ इसके पीछे कर रहे हो। यार मूवी देखोगे तब पता चलेगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, फिर मूवी देखनी है नहीं देखनी, खैर खैर इसमें फोकस करते हैं। इन सब के अलावा मूवी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, अब उनके ऊपर अगर एक एक करके बात करने बैठो तो काफी चीजें, मतलब ये जो वीडियो है काफी लेंथी हो जाएगी, जिसके ऊपर हिप्नोसिस किया जा रहा है वो कुछ भी यार हो रहा है, धक्के से कुछ भी वहां पहुंच जा रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा क्या, मतलब बताने की तो इच्छा है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो वो चीज मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं कि ठीक है भाई जो इतने सारे लूप होल्स हैं अब मैंने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है, तो मूवी देखकर कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि हमने कोई याद रह गई हो लास्ट के अंदर, हाँ कहें कि बहुत अच्छी मूवी देख ली हो, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। मतलब तो
सिंपल साफ सरल शब्दों में कहूं तो मूवी के अंदर कुछ भी खास नहीं है। मतलब आप अगर अपने आप 1.5 घंटा आप कोई चीज देखना चाह रहे हो, कोई मूवी कोई सीरीज देखने की सोच रहे हो, मतलब 1.5 घंटे में तो कोई मूवी सीरीज कहां से देखी जाएगी, कोई मूवी देखने की सोच रहे हो तो ये वाली मत देखो यार, इसके अलावा कुछ और देख लो, क्यों अपना टाइम वेस्ट इसके ऊपर कर रहे हो। मेरी तरफ से इसको मैं देना चाहूंगा 3 out of 10, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको 3 क्यों दे रहा हूँ, 3 सही है यार, क्या क्या। तो अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी है तो वीडियो समझ में आ गई तो अपने रिस्क पे देख लेना। हिंदी डबिंग है, अच्छी की गई है, मुझे वो डबिंग अच्छी लगी, शायद इसलिए 3 दे दिए होंगे। खैर बस आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।